शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर दिया ज्ञापन। बस्ती जिले के शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज से आ रही बड़ी खबर, जहां छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज समिति को दिया ज्ञापन। सभी तमाम छात्र नेताओं ने यहां पे धरने पर प्रदर्शन किया और हम लोगों ने कई दिनों से प्रचार को एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसपे कोई निर्णय नहीं निकला है। हम लोग ने पानी का समय मांगा था, अगर डेट नहीं दिया गया तो हम सभी छात्र नेता मिलकर धरने पे बैठेंगे। हम लोग सुबह टेंट लगा रहे थे और टेंट में सरकारी अफसर आए और टेंट को लगाने का मौका नहीं दिया, लेकिन हम सभी छात्र नेताओं ने मिल के यहाँ पे टेंट लगाया और अपने धरने को जारी रखा। और आज भी हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं, अगर डेट नहीं आया तो हम सभी तमाम छात्र नेता यहाँ पे धरने बैठे रहेंगे भूख हड़ताल तक, और ऐसे जारी रहेगा जब तक डेट नहीं आता। क्योंकि आप आज किसको ज्ञापन दिए? हम लोग आज प्रचार जी को ज्ञापन देने आए हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिलाया जा रहा है? आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं है, और हम सब प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हमको आश्वासन दिया जाए और तारीख दिया जाए। छात्र एकता जिंदाबाद। आज जो आप लोग धरना दे रहे हैं, किस विषय को लेकर आप धरना दे रहे हैं? आपकी प्रमुख मांगे क्या? हमारी मांगे यह है, पिछले दो सालों से जो एपीएमसीसी कॉलेज और केडीसी कॉलेज है, छात्र संघ बहाली को लेकर हम लोग धरना दे रहे थे। इसमें सभी जो जिले के छात्र संगठन है, समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई के साथियों ने, जो कांग्रेस की छात्रिका है, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।